रिया रियाज किचन एंड ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी क्विक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि मेरी सारी रेसिपीज होती हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, उससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू, गाजर और मटर की सब्जी, जो कि विंटर की स्पेशल रेसिपी है। गाजर जो है विंटर में बहुत अच्छी आती है और मटर भी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डाल देंगे तेल। यहाँ पर मैं वेजिटेबल ऑयल यूज कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। और इसमें डाल दिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज डालकर हम अच्छे से इसे भून लेंगे। साथ ही हमें डाल देनी है आधा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, और इसे भी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आप इसमें गार्लिक डालना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और इसे पका लेंगे अच्छे से। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देने हैं हरे मटर। यहाँ पर मैं फ्रेश वाले मटर यूज कर रही हूँ, क्योंकि विंटर में जो मटर हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर हो सके तो विंटर में आप यही वाले मटर यूज करें बजाय की फ्रोजन से। तो इसके साथ ही ऐड कर दी है गाजर, जिसे बारीक काट लिया था, और इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें ऐड करने हैं आलू, जिन्हें इस तरह से पतला लंबा काट लिया है, और इसे भी डालकर हम मिक्स करेंगे। और अब लो फ्लेम पर हमें इसे ढककर पकाना है। इसे पहले मिक्स करेंगे और अब हम इसे ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर। एक बार हम इसे बीच में हिला लेंगे एक दो बार, ताकि अब अच्छे से सब्जी हर तरफ से पक जाए, और फिर से इसे ढककर हमें पकाना है। 10 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसका एक आलू या गाजर को तोड़कर देख सकते हैं, ये अच्छे से पक जाएगी और जो तेल होता है बिल्कुल सेपरेट हो जाता है और पानी जो होता है सूख जाता है। इसके साथ ही इसमें डाल देना है हरा धनिया बारीक कटा हुआ और गरम मसाला, और इसे डालकर हम मिक्स कर लेंगे। और आलू गाजर मटर की ये टेस्टी सी सब्जी, हेल्दी बिल्कुल सिंपल रेसिपी जो बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।